न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल के गेट के सामने हम खड़े हैं। दरअसल एक महत्वपूर्ण इशू सामने आ गया है। जैसे 7 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में मैट्रिक यानी 10th क्लास का एग्ज़ाम यानी बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ऐसे में एक खबर ऐसी सामने आई है कि इसी स्कूल के एक स्टूडेंट्स का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिसको लेकर यहाँ के स्टूडेंट में काफ़ी गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला है। इस मामले को लेकर हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और हमें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्ची का, जिसका नाम लाडली है, उनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही साथ इस पांजीपाड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल के हेडमास्टर और इस मामले में क्या कहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बच्ची जिसने मैट्रिक की पूरी साल भर तैयारी की, आज जब एग्ज़ाम देने का वक्त आया वो एग्ज़ाम से महरूम होते नज़र आ रही है, वंचित होते नज़र आ रही है। आखिर इस बच्ची को जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और एडमिट नहीं आने की वजह से अब ऐसा लग रहा है इस बच्ची को 1 साल बाद माध्यमिक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला। कौन क्लास में? 10th क्लास में है। हाँ, 7 मार्च को मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। हाँ, और आज मैट्रिक की एडमिट नहीं आ, नहीं मिला। यस सर। कौन से स्कूल है? इलाही बख्श हाई स्कूल। तो आपको कब पता चला कि आपका एडमिट नहीं आया? परसों को शायद। हमारे टीचर से बात की। यस सर। क्या बोले? बोला इस बार और नहीं होगा, अगले साल 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको। यस सर। तो आप क्या वेट करेंगे? नहीं सर, ये लाइफ का सवाल है। नहीं सर, हम 1 साल वेट नहीं करेंगे। इस पांजीपाड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल के हेडमास्टर और इस मामले में क्या कहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। उसमें कुछ नेग्लिजेंस हुआ था, बच्चे भीड़ भाड़ में जो है, भीड़ काफ़ी हो जाता है, गैदरिंग काफ़ी हो जाता है उस टाइम में, तो एक बच्चा सिग्नेचर जो है दूसरी जगह कर दिया था, इस वजह से उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। और एक बच्चा जो है वो फॉर्म ही फिलअप नहीं किया था, मैंने फॉर्म में साइन ही नहीं किया, तो उसका तो फॉर्म मैंने एडमिट आने का कोई सवाल ही नहीं। और एक दूसरे जगह में कर दिया, तो गलती से उसका आ गया, उसका नहीं आया। उसके लिए स्कूल अपना पूरा कोशिश किया, स्कूल से स्टाफ भी गया, जिस लेवल पर हो सका कोशिश किया, कलकत्ता तक लेकर गया, ताकि उसका अगर हो सकता है, पॉसिबल हो तो कर सकता है। सिलीगुड़ी रीजनल ऑफिस उसको रिफ्यूज़ कर दिया, बोला अगर ये काम हो सकता है, अगर पॉसिबल है, तो सिर्फ कलकत्ता बोर्ड ऑफिस ही कर सकता है। बोर्ड ऑफिस में इस तरह का हज़ारों केस थे, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे। बोर्ड ऑफिस में जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिली, जो स्टाफ गया था, बोले नहीं हम लोग कर नहीं, नया इनरोलमेंट हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों समझिए इनरोलमेंट ही नहीं हुआ, एक दूसरे के जगह में साइन कर दिया उसका इनरोलमेंट हो गया, और एक बच्चा साइन ही नहीं किया तो उसका भी इनरोलमेंट नहीं हुआ। तो स्कूल अपने तौर पर कोशिश किया, बच्चों को बोला गया कि ठीक है, अब तुम लोगों को अच्छा से तैयारी करो, नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती मत करना और अच्छा नंबर से पास करो। नहीं, ये नेग्लिजेंसी मैंने स्टूडेंट का ज़्यादा है, और हम लोग एक लेसन मिला, हम लोग गाइडलाइन एडवाइजरी दिए कि अब जो है 2 बार 3 बार भी चेक कर लीजिएगा कि बच्चा अपना जगह पर ठीक साइन किया कि नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहता है, एक लिमिटेड शॉर्ट पीरियड होता है, हमारे स्कूल में स्टूडेंट ज़्यादा है ना, तो इसलिए 4 दिन ही का टाइम मिलता है, उसमें गैदरिंग कर देता है, केओस क्रिएट करता है, लो नॉइस पोल्यूशन होता है, तो टीचर तो बता दिया यहाँ साइन करो, फिर कोई दूसरा सवाल किया तो साइन करके चला गया, फिर दूसरा बच्चा है अपना साइन किया, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस जो है इधर उधर हो गया। ये बच्चा अगले बार इंशाल्लाह देंगे, और एक्साइटेड भी है कि ठीक है, हम बच्चे तो गए देखे कि नहीं, हमने इवन कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे थे, हावड़ा जलपाईगुड़ी तमाम डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, करीब करीब नहीं भी तो इस तरह से 2 से 2.5 हज़ार बच्चे थे जो इस तरह का हुआ है। और हमारे स्कूल में इससे पहले कभी नहीं हुआ, मेरे स्कूल में मोर और लेस 2.5 साल हुआ इस स्कूल में एज ए हेड मास्टर आए हुए, हम किसी स्टाफ का ऐसा नेग्लिजेंस नहीं देखे, कोई कंप्लेन अब तक नहीं आया है। फिर भी हम स्ट्रिक्टली उन लोगों को ये किया है कि आइंदा इस तरह का कोई जो है आप लोगों के तरफ से नहीं हो, बच्चा अगर गलती करता है तो उसको देखना है कहाँ गलती है, फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये लोग कोशिश किया था लेकिन जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वह कॉन्टेक्ट नंबर उसका इनवैलिड हो चुका था, तो अब हम अपने तौर भी कोशिश करेंगे, अगर उसका एड्रेस है तो उसका घर जाके उसको कवर, क्योंकि कोरोना में बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कब स्कूल खुला, क्या करना है क्या नहीं करना था, तो समझिए एक तो डिरेलमेंट हो गया था। अगर रेगुलर में स्कूल चलता, क्लास होता तो बच्चे सबको मालूम रहता, सब आते और सबका काम ठीक होता। हमारे स्कूल में तो कम है, और स्कूल में बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपके कितने बच्चे? हमारे स्कूल में इस वक्त जो है
400 कितना है जी? 405। हाँ, इससे पहले हम लोग का 498 बच्चे पास किए थे, 520 के करीब में फॉर्म फिलअप किए थे जी।